निक वैलेंडा, ये वही नाम है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जिगर स्टील का बना है, क्योंकि इन्हें डर नहीं लगता। यह रस्सी पर बिना किसी सुरक्षा के चलने की वजह से इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। जून 2013 में निक ने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक स्टंट पूरा किया, जब इन्होंने बिना किसी सुरक्षा के ग्रैंड कैनियन को पार किया, और इस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद इन्होंने अपना नाम छठी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, जिसे अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। जैब कॉर्लिस इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले विंग सूट पायलट में से एक हैं, क्योंकि अक्टूबर साल 2013 में इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर इंसान की सांसें थम गई थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने 875 फुट की ऊंचाई पर चाइना के लैंगटॉन पहाड़ के बीच से होकर गुजरने का रिकॉर्ड बनाया था, और इस छेद की चौड़ाई केवल 15 फीट थी, और पहाड़ की इस दरार में से गुजरना बेहद ही खतरनाक स्टंट था, क्योंकि यहां होने वाली एक चूक भी इन्हें मौत की नींद सुला सकती थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह स्टंट किसी हॉलीवुड मूवी का नहीं है, बल्कि यह सच है। पॉल स्टेनर ने जमीन से 2100 मीटर की ऊंचाई पर यह स्टंट किया था, जिसमें पाउल प्लेन से निकलकर ऊपर चढ़ जाते हैं और दूसरे प्लेन का इंतजार करते हैं, जिसके बाद इन्होंने इस स्टंट को कुछ इस तरह से अंजाम दिया था। सितंबर साल 2016 में एडी ब्राउन ने एक असंभव से दिखने वाले स्टंट को पूरा किया। इसके लिए एडी ने खुद एक रॉकेट बनाया, जिसके बाद इन्होंने 1400 फुट चौड़ी स्नेक रिवर घाटी को 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया, जिसके बाद यह बिना नुकसान के पैराशूट के सहारे जमीन पर लैंड हो गए थे। यह स्टंट दो यूट्यूबर ने किया है, जिन्होंने 140 फुट की ऊंचाई से बैक फ्लिप की थी, और इस ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद इनकी रफ्तार पानी में गिरते समय 60 मील प्रति घंटे की थी, और यह स्टंट करके इन्होंने वीडियो देख रहे हर एक शख्स को चौंका दिया था। दोस्तों, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।